अस्सलाम वालेकुम, गताला किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की बाज़ार जैसी भेलपूड़ी। भेलपूड़ी बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलिए आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं। बहुत मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें भेलपूड़ी बनाने के लिए हमें बेसन की पपड़ी चाहिएगी, और कुछ बारीक भुजिया चाहिए, और फूली चाहिए हमें, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और हरा धनिया। अब मैंने एक बाउल में भुजिया डाली है, अब मैं उसमें फूली डाल रही हूँ, फिर मैं बेसन की पपड़ी डाल रही हूँ, फिर हम हरी मिर्च और प्याज ऐड करेंगे, फिर हरा धनिया ऐड करेंगे। ये बहुत ही झटपट बहुत ही मज़े की बन जाती है। अब टमाटर ऐड कर रही हूँ, मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, अब मैं इसमें भुना हुआ ज़ीरा ऐड करूँगी, थोड़ा सा काला नमक ऐड कर रही हूँ, और फिर हम इसमें मेन चीज़ चाट मसाला ऐड करेंगे। हम इसमें नींबू का रस डालेंगे, मैंने आधा नींबू लिया है, आप चाहें तो पूरा ले सकते हैं। अब ये मैंने मूली ली है, इसको कद्दूकस करूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए हमने सब चीज़ें डाल दी है, अब हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे, जैसे बाज़ार में मिलती है वो लोग मिक्स करते हैं, उसी तरह से हमें इसको मिक्स करना है। आप चाहें तो टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं, चटनी भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छी लगेगी आपकी भेलपूड़ी। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम सर्व करते हैं। एक बाउल में इसको हम सर्व करेंगे। ऊपर से इसमें थोड़ा हरा धनिया रख देंगे। ये देखिए हमारी भेलपूड़ी बनके एकदम तैयार है, बहुत मज़े की लग रही है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।